तो प्रकाश राज से मेरा क्या सवाल है वो मैं उस पर भी वापस आता हूँ। पहले हल्का सा छोटा सा एक रिवाइंड करते कि हुआ क्या है। तो किसी ट्विटर हैंडल बनारसी बाबू ने एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल का आर्मी ऑफिसर का एक ट्वीट एक स्टेटमेंट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, हम कभी भी हमला कर सकते हैं, हम पीओके वापस ला सकते हैं, ऐसा करके एक ट्वीट किया। वो आप कहीं भी देख सकते हैं। अब इस ट्वीट पे हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्टर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स दैट वी हैव इन आर कंट्री इन टर्म्स ऑफ हर स्किल्स, ऋचा चड्ढा ने उस ट्वीट को कोट करके लिखा, गलवान सेज हाय, शी इन्वोक्ड जो गलवान में हुआ है। एज एन आफ्टरमैथ इस पे बहुत लोगों के बहुत तगड़े रिएक्शंस आए, मोस्टली मोस्टली राइट विंग के, कि दिस इज रिडिकुलस कि आप ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, आप ऐसे मजाक बना रहे हो, गलवान में ये हुआ, गलवान में वो हुआ। उनके सपोर्टर्स एक नैरेटिव कर चला रहे हैं, राइट विंग एक नैरेटिव चला रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा एक कंप्लेन था कि चलो गलवान का सच क्या है उसको साइड में रखते हैं, एक अनडिनाइबल फैक्ट कि गलवान में बहुत सारे जवान शहीद हुए, ये फैक्ट है। तो ऐसा ही कुछ अक्षय कुमार ने फाइनली ट्वीट किया। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया, उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि हम ऐसी हर्टफुल बातें नहीं कर सकते, आर्मी अगर है तो हम हैं, वी शुड नॉट बी दैट इनसेंसिटिव। अब इस ट्वीट पे पूरा लेफ्ट विंग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गया। बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम क्या ही लूंगा, लेकिन एक इंसान है प्रकाश राज, जो काफ़ी काफ़ी लिबरल है, बहुत वोकल है अपनी व्यूज़ को लेके। ही इज़ ऑलवेज आउट देयर, डजेंट कीप हिज फीलिंग्स टू हिमसेल्फ, स्पीक्स ट्रूथ टू पावर। तो उन्होंने अक्षय कुमार से डायरेक्ट सवाल तो नहीं, उन्होंने डायरेक्ट उन पर एक स्टेटमेंट डाल दिया कि अक्षय कुमार, यू आर नो बड़ी, रिचा चड्ढा इज वे मोर रिलेवेंट टू द कंट्री देन यू। रिचा चड्ढा इस कंट्री के लिए कहीं ज्यादा रेलिवेंट है एज कंपेयर टू यू, अक्षय कुमार। तो अब मेरा सवाल है प्रकाश राज से ये कि अक्षय कुमार, एक एक छोटा सा फैक्ट हम थोड़ा साइड में रख देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, वो फैक्ट ये है कि अक्षय कुमार कंट्री की हाईएस्ट टैक्स पेयर है। अक्षय कुमार इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर है इस साल भी, और पिछले कुछ सालों में भी वो रहे हैं कभी ना कभी। इसको हम साइड में फेंक देते हैं इस चीज़ को। दूसरा और एक फैक्ट, अक्षय कुमार इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर जहाँ चैरिटी का सवाल आता है वहाँ अक्षय कुमार नंबर वन शायद अपनी इंडस्ट्री में होंगे, या टॉप के नंबरों में कहूँगे, क्योंकि हमको सब कुछ पता नहीं होता है, नॉट एवरीथिंग इज रिवील्ड। लेकिन इतना पता है कि उन्होंने कुछ हजारों करोड़ रुपए खर्चे हैं सिर्फ सिर्फ चैरिटी में। इधर 2020 में ही उन्होंने आई थिंक 25 करोड़ रुपए शायद पीएम फंड में दिए थे कोविड सपोर्ट के लिए, जिसमें हमारे लेफ्टिस्ट ने कहा ये तो नकली है, पीएम फंड तो पीएम की जेब में जाता है तो ये तो मैटर करता नहीं है 25 करोड़ उसने दिए। क्योंकि वो 25 करोड़ भी क्या होंगे, वो तो 1-2 करोड़ दिया होगा मोदी को पर्सनली, तो आपस में बांट लिया और फिर मीडिया में बोल दे 25 करोड़ है, क्यों कौन चेक कर रहा है। चलो चलो ठीक है, मतलब क्या, हाउ डू यू आर्ग्यू दैट। आई मीन पूरी दुनिया में इंडिया एक कंट्री है जिन्होंने शायद सबसे तेज, सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिलवाई है अपनी कंट्री में, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने अपने पड़ोसी मुल्कों को भी, हमने दूर दराज की कंट्रीज को भी वैक्सीन्स दी है। इसके बावजूद हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमने हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा है उसका क्या स्पीड रहा है उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेट्स लेट्स कीप दैट असाइड, क्यों हम यहाँ अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं। तो अक्षय कुमार एक इंसान है जिसने तब 25 करोड़ दिए, और वो देते रहते हैं, कभी कुछ पाकिस्तान से अटैक होता है या कुछ होता है ही, आप अगर गूगल करेंगे आपको बहुत सारी चैरिटीज मिल जाएगी अक्षय कुमार की। अब ये इंसान हाईएस्ट टैक्स पेयर, वही इंसान हमारे देश में सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है, बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, हजारों करोड़ों रुपए की चैरिटी की है, हाईएस्ट टैक्स पेयर, हजारों करोड़ों की चैरिटी, ये इंसान की रेलेवेंस कम है किसके मुकाबले, ऋचा चड्ढा के मुकाबले। ये इंसान उतना रेलेवेंट नहीं है हमारे देश के लिए जितनी ऋचा चड्ढा रेलेवेंट है। ऋचा चड्ढा रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि वो एक बड़ी बैड ऐस औरत है, क्योंकि उन्होंने सीधे आर्मी को
क्या किया, शी स्पोक ट्रूथ टू पावर. उन्होंने एक सरकास्टिक स्टेटमेंट, मजाक वाला स्टेटमेंट लिख दिया. जब एक आर्मी वेटरन ने कहा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, उस पर उन्होंने अपना ट्वीट डाला, अपना स्टेटमेंट डाला, गलवान सेज हाई. वो दैट वॉज कूल, दैट वॉज सच, दैट वॉज सो स्मूथ. रिचा चड्ढा ने जो कहा गलवान सेज हाई, तीन शब्दों में उन्होंने आईना दिखा दिया आर्मी को, गवर्नमेंट को, पता नहीं किस किस को. कौन कर सकता है ये? अब एक फ्रेज है जो आजकल बहुत सारा बोला जाता है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर. अब इसके चलते, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर के चलते, रिचा चड्ढा ने ये ट्वीट किया. उनने कहा तो क्या हो गया, मतलब हाँ जवान शहीद हुए हैं, ये है वो है, बट मैं तो आईना दिखा रही हूँ आर्मी को कि तुम तो हार के आ गए, तुम्हारे इतने सारे मर गए, तुम तो हार के आ गए, तुम तो ऐसे हो. और मैं जो कर रही हूँ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर है, मैं एक बड़ा ही बैड ऐस स्टेटमेंट दे रही हूँ, और मैं जो बोल रही हूँ इससे चीज़ें बदलेगी, इससे, क्योंकि मैं इनको आईना दिखा रही हूँ, मैं इनके सपोर्टर्स की आंखें खोल रही हूँ, मैं मेरे देश की आंखें खोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक लिबरल हूँ, क्योंकि मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ. तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं स्पीक ट्रूथ टू पावर करूँ और इन लोगों को आईना दिखाऊँ जो लोग पावर में हैं, जो लोग हमको झूठ बोल रहे हैं, जो लोग हमारा बना रहे हैं. और क्योंकि, और ये चीज़ बड़ी बैडएस भी होती है. आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मजाक उड़ाओ, या आर्मी का मजाक उड़ाओ, या ऐसे ही कोई एफिलिएशन का मजाक उड़ाओ जिसको नेशनलिस्ट माना जाता है, राइट विंग माना जाता है, तो आप एक बहुत ही कूल इंसान माने जाते हो. कूल छोड़िए, आपके साथ कुछ लेबल्स चिपक जाते हैं. अगर आपने आर्मी का मजाक उड़ाया, सबसे पहले लेबल आपके साथ चिपकेगा कि आप इंटेलेक्चुअल हो. दूसरा लिबरल आपके साथ चिपकेगा कि आप लिबरल हो. मैं नहीं जानता हूं कि इंटेलेक्चुअल और लिबरल ये दोनों वर्ड्स का मतलब, व्हेन डिड द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स गेट रिड्यूस टू दिस, कि आप इनसेंसिटिव होके मरे हुए आर्मी पर्सनल का मजाक उड़ा के आप इंटेलेक्चुअल हो जाओगे, लिबरल हो जाओगे. मुझे नहीं पता ये हमारी हिस्ट्री में कब हुआ कि इन दोनों शब्दों का मतलब ऐसा कुछ हो गया, या ये बोलने से आप इंटेलेक्चुअल कहलाओगे. ये फैक्ट है, ये होता है, ये हमारे देश में होता है. मैं बस ये नहीं जानता हूं कि इसका रूट कहां है. प्रकाश राज इज 100% करेक्ट. तो मेरा क्या सवाल है प्रकाश राज से, जैसे जो इस वीडियो पे का टाइटल है, जो मैंने आपको शुरू में बोला, मेरा सवाल है प्रकाश राज से कि ये चीज, ये इतना इंटेलेक्ट जो आप में है, ये जो लॉजिक, जो आपके अतरंगी जो लॉजिक रहते हैं, ये इंटेलेक्ट हमारे बाकी के देश में क्यों नहीं है? ये जो विंग है जिसको हम राइट विंग बोलते हैं, और जो आर्मी है, ये सब लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? जितने आप अक्लमंद हैं, उनको क्यों नहीं ये चीज़ें ही ध्यान आती है? उनके दिमाग में ये लॉजिक क्यों नहीं आते हैं जैसे लॉजिक आपके दिमाग में आते हैं? क्या आपने कुछ ट्रेनिंग ली है? क्या आप कहीं गए हैं आपने एक्टिंग के पहले, या एक्टिंग करियर स्टार्ट होने के बाद आपके इंस्टीट्यूट गए, आपने वहाँ ट्रेन किया, आपने कुछ मेडिसिन लिए, कुछ केमिकल्स आप यूज़ करते हैं जिससे आपका IQ लेवल इतना हाई है, आपका एक जो टेरिबल अर्ज है आपका कि आप सिर्फ फैक्ट्स में बात करते हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं आप? कैसे होता है ये? प्लीज़ हमें बताइए प्रकाश राज जी, कि जो आपने इतनी अच्छी बात की है कि इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर और इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटी गिवर लेस रिलेवेंट है रिचा चड्ढा से, गलवान से हाई रिचा चड्ढा से, ये जो आपने इतनी अच्छी, इतनी गहरी बात की है, ये इतनी गहरी बात हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? प्लीज़ बताइए.